सो हे गाइस, दिस इज मी शिवम त्रिवेदी और आज भी पिछले बाकी के सारे स्टोरी टाइम वीडियोस की तरह मैं फिर से अपनी बेइज्जती कराने वाला हूँ, लेकिन टुडे इट्स डिफरेंट बिकॉज आज हम बात करेंगे मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स येट के बारे में, विच इज माय ड्राइवर्स लाइसेंस। लास्ट ईयर तेरे को वीक गाना था sorry. मैंने लास्ट ईयर बोला, तुमने लास्ट वीक बोला, छोटी बच्ची हो क्या? So before we begin, please subscribe to Shivam Thinks, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इस चैनल का कभी बोलता ही नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, so please subscribe. Also, आज ना काफी सारी चीजें इग्नोर कर देना, जैसे ये क्योंकि मैंने आज खुद प्रेस करी है, so इस पे सिलवटे हो सकती है। Also my hair, हाँ नॉर्मली मेरी बहन करती है तो बहुत अच्छा होता है। Also please ignore my hair क्योंकि आज मैंने शैम्पू करा है तो अगेन वो भी खराब हो रखे। एंड also ignore this क्योंकि I know ये मेरे मेन चैनल का बैकग्राउंड है, लेकिन क्या करें, अब तो ऐसा लगने लग गया सच में हमारे घर में ना एंगल्स खत्म हो गए हैं वीडियो बनाने के। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। 13 जनवरी 2020 को वी बॉट अ कार एंड मुझे उससे पहले ड्राइविंग करना बिल्कुल नहीं आता था, लाइक एब्सोल्युटली जीरो। लेकिन जब हमने गाड़ी बुक की थी तो मैंने वो 15 डेज का कोर्स नहीं होता जल्दी से सीखने वाला, वो मैंने करा। बट यार वो लोग ना वैगनआर पे सिखाते हैं और वो ऑटोमेटिक भी नहीं होती, एंड आर्स वाज ऑटोमेटिक एंड आल्सो नेक्सॉन इज लाइक प्रीटी बिग, तो मेरे को बहुत टाइम लग गया अपना हाथ बिठाने में उस पे। लेकिन फिर भी मैंने लर्नर्स के लिए अप्लाई कर दिया था गाड़ी आने से पहले, बट देन एज यू ऑल नो पैंडेमिक आ गया एंड मुझे सीधे लर्नर्स की डेट मिली है 17 सितंबर 2020 की। बट स्टिल लर्नर्स बहुत प्यार से हो गया क्योंकि उसमें कुछ कुछ टिक मार्क ही करने होते हैं, इट्स बेसिक नॉलेज। लेकिन फिर मुझे डेट मिली ड्राइवर्स टेस्ट की 30th जनवरी 2021 की, एंड जो लोग दिल्ली से नहीं है उनको ये आई डोंट नो समझ आएगा कि नहीं, बट यस, दिल्ली में लाइसेंस की डेट 4-4, 5-5 महीने बाद की मिलती है। खैर आई वेटेड एंड उस दिन आई वेंट देयर, बट सच बताऊं तो मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था एंड उसी की वजह से ना आई मेड लाइक अ ह्यूज मिस्टेक। नाउ आई डोंट नो मैं इसे पोलाइट लैंग्वेज में कैसे बोलूं, बट वहां ना बहुत सारे दलाल घूम रहे होते हैं जिसको दिल्ली में दल्ले भी बोलते हैं, एंड वो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते कि ब्रदर हेल्प चाहिए ब्रदर, एंड मेरे को वैसे ही बहुत नर्वसनेस हो रही थी, तो आई सेड Yes. पर मुझे पता था कि यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो मैंने ना बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करे एंड ही सेड कि यार देखो जुगाड़ तो अंदर अब अथॉरिटी के कहीं पे भी नहीं होता, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग कि दिल्ली फाइनली एटलीस्ट इस मामले में करप्शन फ्री है, अंदर कोई जुगाड़ नहीं चलता, यू हैव टू पास द टेस्ट। बट ही सेड हम लोग ना प्रैक्टिस करा देते हैं एक सेम जगह पे ऐसे ले जाके, तो आप वो कर सकते हो। तो ऐसे ठीक है, कर लेते हैं प्रैक्टिस, जो कि अगेन अगर आप ड्राइवर्स टेस्ट देने वाले हो तो लेट मी टेल यू, प्लीज इन लोगों की प्रैक्टिस पे रिलाय मत करना, बिल्कुल ही भंगार किस्म की होती है। इससे अच्छा तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस के वीडियोस हैं, वो देख लो, वो ज्यादा बेटर है। पर उस टाइम पे पता नहीं था मेरे को, इसलिए आई वेंट विद देम। ऑल्दो मुझे ये पता था कि ये पैसे जरूर मांगने वाले, बट आई थॉट यार आप रिश्वत विश्वत थोड़ा देनी है, अंदर कोई जुगाड़ तो इनका है नहीं, तो प्रैक्टिस कराने के कितने ही पैसे ले लेंगे। तो आई वेंट विद देम, वो आगे आगे स्कूटी पे, मैं पीछे पीछे गाड़ी में, एंड ही वाज लाइक बस आने वाला कर करके ही टुक मी वेरी वेरी फार। पर थैंकफुली वहां पहुंच के एक एक्चुअल ट्रैक दिखा मुझे, तो आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड। ऑल्दो ये रिलैक्सेशन बस 2 मिनट की थी, क्योंकि भाई वो ट्रैक देख के मेरी फट गई भाई, लोग 8 बना रहे हैं, लोग उल्टा रिवर्स एस बना रहे हैं, लोग पता नहीं इंक्लाइन डिक्लाइन कर रहे हैं, पैरेलल पार्किंग कर रहे हैं, और मैं ऐसे खड़ा हूं, एंड आई वाज लाइक Shit. पर क्या करूं, डर ही इतना लग रहा था उस टाइम पे कि I gave him 5000 एंड उस वक्त मैंने प्रैक्टिस किया, एंड मेरे को वहां पे वॉशरूम जाना था, एंड यू कैन नॉट बिलीव वहां का वॉशरूम कैसा था, लाइक जस्ट लुक एट दिस, इसमें गया मैं वॉशरूम यार। सच्ची मैं सोच भी रहा हूं ना उस वॉशरूम के बारे में, तो मेरा अभी के अभी नहाने का मन कर रहा है, विच रिमाइंड्स मी दैट आजकल आई हैव बीन यूजिंग द मामा अर्थ का उपटन बॉडी वॉश, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग और रिजुविनेटिंग है, क्योंकि इसे क्राफ्ट किया गया विद द गुडनेस ऑफ टर्मरिक एंड सैफ्रॉन। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो इसे किसी भी स्किन टाइप के लोग डेली बेसिस पर बिना किसी चिंता के यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, पैराबेन, सिलिकॉन्स एंड इज मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक टर्मरिक, जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है, सन डैमेज से बचाता है और एजिंग रिड्यूस करता है। सैफ्रॉन जो कि एक पावर हाउस है विटामिंस और एंटीऑक्सीडेंट्स का, वॉलनट जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एंड ग्लिसरीन जो स्किन को डीपली हाइड्रेट और रिफ्रेश करता है, एंड टुगेदर दे लीव योर स्किन फीलिंग क्लेंस्ड, ग्लोइंग, सॉफ्ट एंड सफल। इसे अप्लाई करने के लिए आपको बस बॉडी वॉश का एक कॉइन साइज्ड अमाउंट अपने हैंड या लूफा पे पोर करना है, जेंटली रब करना है टिल इट लैदर्स, एंड रिंस करके ड्राई कर लेना है। इट वर्क्स जस्ट लाइक द मामा अर्थ विटामिन सी बॉडी वॉश, जिसमें है गुडनेस ऑफ विटामिन सी, हनी एंड ओट अमीनो एसिड्स। वन थिंग आई पर्सनली लव अबाउट मामा अर्थ इज दैट दे लिंक एवरी ऑर्डर ऑन देयर वेबसाइट टू प्लांटिंग अ ट्री, एंड बाय 2025 इनका गोल है 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ऑर्डर करो मामा अर्थ का उपटन बॉडी वॉश फ्रॉम फ्लिपकार्ट, Amazon, नाइका और द ऑफिशियल मामा अर्थ ऐप, जिसके एंड्रॉइड और iOS लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अलोंग विद अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। ऑल्सो मेरा कूपन कोड भी ऐप और वेबसाइट दोनों पर वैलिड है। तो वहां पे मैंने प्रैक्टिस की, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करा, एंड फाइनली मैं गया, एंड मेरे को अब सही लग रहा था कि अब मैं थोड़ा कर लूंगा, मेरे को लगता है हो जाना चाहिए। एंड देन वहां मैं पहुंचा सेंटर पे, एंड द गार्ड टोल्ड मी के भाई साहब आपका स्लॉट निकल चुका है, बहुत लेट आ रहे हो, जाओ यहां से।
तो मैंने फिर से वहीं पे नया स्लॉट बुक करा, एंड शुक्र है इस बार 14th मार्च का ही स्लॉट मिला था, जो कि ज्यादा दूर नहीं था, वरना फिर से 3-4 महीने वेट करने में मेरी तो हालत बुरी हो जाती। तो फाइनली 14th मार्च को मैं गया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर गया था, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे थे, तो इस बार तो मेरे को लग रहा था भाई हो ही जाएगा। ऑल्सो डिड नॉट फॉल फॉर एनी स्कैमर्स, टाइम पे पहुंचा एंड गेव माई टेस्ट। पर सच बोलू तो अंदर से नर्वसनेस थी, एंड उसी नर्वसनेस में आई डिड अ मिस्टेक। वहां पे ना एक्चुअली एक 8 बना के राइट होना होता है और इंडिकेटर देना होता है, एंड फिर ऐसे लेफ्ट राइट होकर इंडिकेटर देते जाना होता है। मैं इंडिकेटर देने में इतना खो गया कि ऊपर एक रेड लाइट थी और मैंने वो क्रॉस कर दी, एंड देन ऊपर से अनाउंसमेंट होती है शिवम त्रिवेदी ट्रैक से बाहर आ जाए, आप टेस्ट में फेल होते हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाट, पर ठीक है यार, इसमें तो मानना पड़ेगा कि मेरी गलती थी, तो मेरे को बहुत ज्यादा एंबैरेसिंग फील हो रहा था, क्योंकि ऑनेस्टली इफ यू गाइस नो राइट कि मैं कभी भी मतलब ऐसे टेस्ट में फेल नहीं हुआ। लाइक स्कूल में आई वाज अ टॉपर, कॉलेज में आई वाज लाइक ओके, मतलब ठीक है ग्रेस मार्क्स मिले होंगे एक दो सब्जेक्ट्स में, बट आई वाज लाइक ओके, एंड पहली बार आई वाज फेल्ड इन अ टेस्ट, मेरे को बहुत शर्म आ रही थी। खैर द रूल इज कि टेस्ट फेल करने के एक हफ्ते बाद तक आप अपना कोई स्लॉट बुक नहीं कर सकते, तो मैंने स्लॉट बुक किया एक हफ्ते बाद, एंड मुझे डेट मिली 5th अप्रैल की, एंड मेरे को लगा इतनी जल्दी की कैसे मिल सकती है, एंड यू ऑल्सो मस्ट बी वंडरिंग कि अभी तक तो इतनी देर देर की मिल रही थी, बट अभी 15 मार्च से सीधे 5th अप्रैल, एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि कुछ तो झोल है। और ये चीज मुझे वहीं जाके पता चली कि इतनी जल्दी की डेट आखिर मिल कैसे गई। तो यहां वाली जो अथॉरिटी है ना वो पूरी फुल चल रही थी मंथ्स के लिए, तो इन लोगों ने एक दूसरी अथॉरिटी में नंबर देने शुरू कर दिए, जो कि बहुत दूर जाके किसी गांव के अंदर मतलब घुस घुस के पता नहीं कहां पे थी, और तब कोविड की सेकंड वेव भी स्टार्ट होने लगी थी, तो दे वर सेंडिंग एवरीबॉडी देयर, तो मैं भी क्या ही कर सकता था, आई वेंट देयर, एंड वहां पे आई कैन नॉट टेल यू भाई, एक तो बंदा ड्राइवर्स टेस्ट के लिए जा रहा है, उसको वैसे ही ड्राइविंग एकदम प्रॉपरली नहीं आती है, और वहां पे इतनी पतली पतली गलियों में से मैंने कैसे ट्रकों के बीच में से गाड़ियां निकाली, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू। और आधा एक घंटा तो मेरे को जगह ही नहीं मिली, मैं वहीं गोल 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 इधर उधर उधर घूमे जा रहा हूँ, एंड देन आई आस्क्ड द गार्ड, और उन्होंने बोला कि वहां जाके अथॉरिटी, एंड देन आई फाइनली रीच्ड। नाउ दिस अथॉरिटी वाज लाइक अ स्कूल, जो कि बहुत वियर्ड बात है, मतलब एकदम खुला खुला, कोई नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा, किसी का टेस्ट नहीं चल रहा है, एंड बहुत वियर्ड बात इसलिए क्योंकि नॉर्मली जो अथॉरिटीज होती है एकदम खचाखच भरी होती है, तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल। तो मैंने गार्ड्स वगैरह से पूछा कि भैया यहाँ पे लाइसेंस बनता है ना, एंड दे ऑल सेड यस, तो उनकी बात मान के आई वेंट इन, मैंने सारे फॉर्म्स वॉर्म्स भरे, एंड देन दे टेल मी कि हम ना यहाँ पे गाड़ियां खुद प्रोवाइड करते हैं, आप अपनी गाड़ी पे नहीं दे सकते, जो कि वैसा रूल नहीं है यहाँ पे दिल्ली में, आपको अपनी गाड़ी पे टेस्ट देना होता है। एंड आई वाज लाइक ओके आप दे दो मेरे को गाड़ी, लेकिन ऑटोमेटिक देना, क्योंकि मेरे को मैनुअल पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड दे वर लाइक ये तो नहीं हो पाएगा, एंड देन मेरा वो वाला भी दिन बर्बाद। तो मैंने फिर से डेट बुक की, एंड इस टाइम मुझे डेट मिली 13th मई की, जो कि काफी दूर थी, बट मे बी उस वक्त कोविड की वेव चल रही थी इसलिए वो थोड़ा स्पेस आउट कर रहे हो, बट वो किसी काम नहीं आया क्योंकि उस टाइम पे कोविड पीक पे था, एंड द अथॉरिटीज एंड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। तो फिर से मुझे नई डेट मिली 25 सितंबर की, कैन यू बिलीव दैट। खैर तब तक एक चीज अच्छी हुई कि मेरे को अच्छे से ड्राइविंग करनी आ गई थी, क्योंकि इतना टाइम किसको मिलता है ड्राइवर्स टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो तो शुक्र है कि गवर्नमेंट ने लर्नर्स लाइसेंस की ड्यूरेशन एकदम वो करते जा रहे थे। आई थिंक मेरा लर्नर्स लाइसेंस भी शायद 1-1.5 साल तक वैलिड रहा है। ऊपर से मैं कभी भैया को लेके चला जाता था, कभी मयंक को लेके चला जाता था, तो मेरी ड्राइविंग की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हुई थी। सो फाइनली आई वेंट ऑन 25th एंड गेव माय टेस्ट, और वो दिन एक्चुअली में बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो मेरी बहन गई थी मेरे साथ में मेरे को मॉरल सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हमें मार्केट का भी थोड़ा काम था, एंड ऑल्सो आई मेट सब सब्सक्राइबर्स देयर, जिन्होंने सच में मेरे से बात करके इतना अच्छा फील कराया था, क्योंकि अथॉरिटी के अंदर यू आर ऑल अलोन, लाइक मेरी बहन बेचारी बाहर खड़ी हुई थी धूप में, बट उस वक्त आप लोगों से बात करके आई फेल्ट सो नाइस, मतलब सच में मेरी एंग्जायटी बहुत कम हुई थी। देन फाइनली मेरा नंबर आया टेस्ट का, एंड आई थिंक ये बात मैंने आपको बताई नहीं है, विच इज सो स्टूपिड, क्योंकि मुझे सबसे पहले यही बात बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो सारा बवाल हो रहा है इसी वजह से हो रहा है, एंड दैट इज कि दिल्ली में ऑटोमेटिक ड्राइवर्स टेस्ट होता है, तो आपके साथ जैसे इंस्ट्रक्टर बैठते थे पहले वो बताते थे या वो देखते थे, वो सब नहीं होता है, इट इज ऑल सेंसर बेस्ड, लाइक ऊपर कैमराज वगैरह सब लगे होते हैं, वो सेंसर से पूरा पाथ आपका डिटेक्ट कर रहे होते हैं, सो AI आपका जज टेस्ट कर जो भी है वो टेस्ट ले रहा होता है, so it is really difficult, and that is why बहुत सारे लोग फेल होते हैं, that is why लोग retest वगैरह देते रहते हैं, as far as I know, वो अलग बात है कि हाँ दिल्ली की population is also like अरबों खरबों में, आई गेस। एनीवेज टेस्ट में ना सबसे ज्यादा डर मुझे वो रिवर्स एस बनाने में लगता है, क्योंकि भाई आई डोंट नो भाई यार वो मोड़ नहीं हो पाता, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, तो उसमें मेरी 3 में से 2 गलतियां हो भी गई, मतलब 3 गलतियां लोग अलाउ करते हैं, बट थैंकफुली बाकी का हो गया, क्योंकि भाई वो सबसे पहला राउंड होता है, एंड उसी में मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे हिल गया था, लेकिन थैंकफुली समहाउ आई डिड इट, एंड देन आई गॉट माय ड्राइविंग लाइसेंस लास्ट ईयर, एंड एक्चुअली बाहर निकल के भी सबसे पहले ना मैंने यही गाना बजाया, ओलिविया रोड्रिगो होगा ड्राइवर्स लाइसेंस, क्योंकि भाई आई कैन नॉट बिलीव, मतलब आप समझ चुके होंगे कि इतनी लंबी जर्नी के बाद आई फाइनली गॉट माय ड्राइवर्स लाइसेंस।
सो गाइज दैट वाज इट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो सबको शेयर करो। लाइक देखो जिसने पहले टेस्ट दिया उसको इसलिए करो कि देखो यार तुम्हारे टाइम पे कितना आसान होता था, अब देखो कितना मुश्किल हो गया। जिसको टेस्ट देना है उसको इसलिए करो कि देख ले भाई कितना मुश्किल होने वाला है, और जिसको नहीं भी देना है उनको ऐसे ही कर दो जस्ट फॉर फन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर मामा अर्थ का ओपटन बॉडी वॉश फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।